प्रार्थना करता हूँ पिता अमृतसर वालों के लिए, मरिंडा, चंडीगढ़, न्यू चंडीगढ़, हिमाचल, पवित्र आत्मा फाजिलका, फिरोजपुर, बठिंडा और इसी समय पवित्र आत्मा जी बरनाला, पवित्र आत्मा जो लोग इस समय गुरुसराय से भी देख रहे हैं परमेश्वर, इसी समय पवित्र आत्मा जी मुक्सर से देख रहे हैं, एक बड़ी ब्लेसिंग बादलों की गड़गड़ाहट के साथ आने पाए, वो बादलों की गड़गड़ाहट के साथ आने पाए। पवित्र आत्मा जब इसराइली घबराए हुए थे, वो घिर गए थे परेशानियों से, उस समय परमेश्वर ने एक बादल को एक घड़काया, बिजली कड़की बादलों में से, और उस दिन फिलिस्तीनी घबरा गए और भाग गए और जान गए कि इनके साथ यहोवा परमेश्वर है। आज के बाद अब अगर आप किसी चिंता से परेशानी से घबराए हुए हो, मैं कह रहा हूँ आज रात एक ऐसी बिजली कड़केगी आपके ऊपर। हेलो, और विश्वास करना, कहता है कि वो आपके लिए, आपको डराने के लिए नहीं, कहता है कि वो फिलिस्तीनियों को, आपके दुश्मनों को, आपकी बीमारियों, आपकी समस्या, आपके कर्जे को डराने के लिए है कि गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट कर दो उसको, गेट आउट, गेट आउट माई हाउस, गेट आउट, चले जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है कि चिंता में ना रहो, मत कहो कि तुम्हारे लिए डोर बंद है, यकीन करो तुम आशीषित लोगो, तुम्हारे ऊपर ग्रेस पहले से है। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहे हैं, जितने यहाँ पर खड़े हैं, हर संडे आते हैं, उनके लिए भविष्यवाणी है। परमेश्वर की आत्मा करें कि तुम्हारे लिए एक डोर बंद करता है कोई, 7 डोर में तुम्हारे लिए खोल दूंगा इस साल के नाम में। बहुत सारे डोर आप खुले हुए देखोगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जो कहते हैं मेरे पास फाइनेंस में कमजोर हूं मैं, आज से गिन लो आप 52 दिन, आपको 7 दरवाजे खुले हुए दिखाई देंगे। आपको फाइनेंस में घटी नहीं होगी। yes, amen, amen. बैठ जाएं, जोर से तारीफ करें, शाबाश। टेस्टमनी के साथ शाबाश। सब दुखड़ा भूल जाएगा जब यीशु खुशियां देगा, सब दुखड़ा भूल जाएगा। जब दरवाजा बंद हो गया तू जब खुल जाएगा, बोलो हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। बैठ जाओ शमास, जो हालेलुया बोल रहा है उसको गर्मी कम लगेगी आज। पता आपको, मैंने नए साल पे एक भविष्यवाणी किया था, इतनी गर्मी पड़ेगी इस साल में, कारों के एसी भी चलने बंद हो जाएंगे, घरों के एसी भी बंद हो जाएंगे, कहा था कि नहीं? न्यूज में भी आ रहे हैं एसी खराब हो रहे हैं। बोला हालेलुया, हालेलुया। आप जल्दी से एसी मैकेनिक बनो, बहुत काम मिलने वाला गर्मियों में। हाँ, गवाही के साथ शाबाश। प्रवृत्ति भाई बता रहे हैं, काफी समय से इटली वीजा के लिए ट्राई कर रहे थे, नहीं लग रहा था, चर्च आए, स्पेशल ले हैंड प्रेयर करा के गए, आज गवाही के साथ आए, इटली वीजा गया। आज तो बस हाथ ही उठा लो बैठ कर, गर्मी ज्यादा है। हाँ बेटे बताएंगे शाबाश, कहाँ से आए बताएंगे शाबाश। सारी कलीसिया को जैमसी की, पासे जी को जैमसी दी, पासे जी साड़ी गवाही ये है कि तुसा 10वें महीने प्रोफेसी कीती सी मेरे बेटे वास्ते, ते बेटा मेरे दे प्रोफेसी कीती सा 10वें महीने च, ते दूसरे 3रे महीने च मेरे बेटे दा वीजा इटली दा मिल गया, ते बेटा मेरा उत्थे 20 तरीक ते पहुँच गया, ते काम भी मिल गया पास्टर जी। हाँ जी, ले हैंड पर कराई सी। कहाँ से आए आप? गुरदासपुर से। गुरदासपुर से, हाँ जी। क्या आप ताड़ी बजा सकते हैं इस बात के लिए? सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपको
विश्वास करना है। अब जिसको मैं कहूँ उसको वोट दिया है। हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। सुन रहे हो मेरी बात? अब जिसको कहूँ उसको वोट दोगे? सच्ची दसना भाई? हाँ भाई जरूर जी, जरूर जी। फिर सुनो, फिर किसको वोट देने? जीसस को वोट देने। तो बोलो हालेलुया। समझ में आया? देखो गुरदासपुर से आए हैं, ले हैंड प्रे कराई और परमेश्वर ने गुड न्यूज दे दिया यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करना, पवित्र आत्मा आज बहुत सारे लोगों को आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलकर आजाद हो जाऊं। शाबाश, ले हैंड प्रे कराया और आजाद हो गए। मैं फिर कह रहा हूं, जो ले हैंड प्रे करा रहे हैं उनके बच्चे विदेशों में घूमने नहीं, काम करने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। दे पल्ला होंदा की है? इधर आ न्याणे, इधर आ। देखो पल्ला क्या होता है, इधर आ ना, दौड़ के। देखो पल्ला क्या होता है, पल्ला ये रहा, ये रहा। भाई के साथ चलते हैं। देखो फिर से कहा, फिर से कहा, चला पल्ला तेरा पड़े या ते पार लग जावांगे। यही होता ना, यही होता पंजाबी में, पल्ला तेरा फड़े जाते हैं। हालेलुया। अब समझ में आया, जनानियां चुन्नी क्यों डालती हैं? हालेलुया। आपको समझना है, पल्ला तेरा फड़े जाते हैं। एलिया अपने परचद्दर क्यों रखता था? पुराने लोग अपने परचद्दर क्यों रखते थे? ध्यान से समझना है। कहते कि ये कह रहे एक पल्ला है, पल्ला। अगर आप यीशु के पीछे चले तो कह रहे पार लग जाओगे यीशु मसीह के नाम। जाकर दोबारा रिपोर्ट कराना, कैंसर खत्म हो जाएगा। और जब स्पेशल लेहन प्रेयर कराई, आज गवाही के साथ आए, कैंसर खत्म हो गया। गवाही देंगे बेटे, शाबाश। पापा जी को जय मसीह की, साली कलेसिया को जय मसीह की। पापा जी मेरे बच्चे को डॉक्टर ने जवाब दे दिया, फिर मैंने स्पेशल एंड कराया, तो आज मेरे क्या बच्चे को था? कैंसर बताया था, डॉक्टर ने बोला कि ये 6 दिन से ज्यादा नहीं जी पाएगा। हम खूब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम हार नहीं माने। हम यहाँ चल के आए और स्पेशल एंड कराया, तो आज बच्चा हंसता खेलता, रिपोर्ट नॉर्मल है सारी। जोर से तारीफ करो। आपके सामने है ये बेटे, कहाँ से आए आप? हम अलवर राजस्थान से आए। अलवर राजस्थान से आए। मैं आपको इसकी वीडियो भी दिखाऊंगा जब ये लैंड प्रे करा रहा था। बोलो हालेलुया। और देखो स्पेशल बीज बोकर लैंड प्रे कराया, सारी रिपोर्टें नॉर्मल हैं। बच्चे की रिपोर्टें नॉर्मल होगी, जो कैंसर था उड़ गया, धुआं बन कर यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। शाबाश। हालेलुया। विश्वास करना है, कईयों लोग कहते ने गवाइयां तेरिया। मैंने एक सरदार जी को स्क्रीन पे देख रहा हूं बैठे हुए, वो मौके से स्पेशल आता है। अभी तो अपनी जनानी से बात करो, उसको पता नहीं है, मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। वो स्पेशल आता है, हमेशा आता है। ऐसे लोगों को परमेश्वर आशीष देता है, गर्मी हो चाहे सर्दी हो। आप समझ रहे हैं, आशीष लेने का तरीका है ये, कि जो लोग रेगुलर आते हैं। आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा उनके लिए एक नहीं 7 खिड़कियां खुलने वाली हैं, 7 बड़े डोर खुलने वाले हैं चर्च। आमीन। गवाही रहेंगे, फटाफट जल्दी जल्दी लाइन लगाओ फटाफट। हाँ प्रॉफिट जी, इस भाई की बहुत बड़ी गवाही है। हाँ। ये अपने बच्चे की गवाही बता रहे हैं कि जैसे ये बच्चा बचपन से पैदा हुआ था, इनके दिल में शेर था, डॉक्टरों ने ऑपरेट बोल दिया था। ताजपुर चर्च में आए, अनॉइंटिंग ऑयल वाटर को यूज किया, प्रोफेसी का रिसीव किया,
सारे बोले हालेलुया। गवाही सुनेंगे बेटे, गवाही सुनेंगे। हाँ पापा जी की जय मसीह की, सारे कलीसिया की जय मसीह की। मेरी बेटी की गवाही है, बचपन से इसके दिल में छेद थी। मैंने डॉक्टर जब रिपोर्ट जमा जवाब दे दिया था, मैंने यहाँ आया, तेल पानी लगाया, मेरी बच्ची का नॉर्मल रिपोर्ट आ गया है। सारे बोले हालेलुया। अब देखो बच्चे को कब से था, बचपन से दिल में छेद था जी। किसने कहा आप यहाँ चले जाओ प्रॉफिट बजिंदर मिनिस्ट्री में? नहीं, मैंने मोबाइल में देखा था सर, मोबाइल में देखा था जी। मोबाइल में तो मैं आ जाता हूँ, मोबाइल में जी, यूट्यूब में देखे थे। अच्छा, यूट्यूब में देखा था, मैं सोचा मोबाइल में जी। तो मैंने कहा इतना लंबा बंदा मोबाइल में कैसे आ सकता है, तो यूट्यूब पे देखा इसने, और क्या चमत्कार हुआ, मेरी बच्ची का थोड़ा रिपोर्ट नॉर्मल आ गया, दिल का सुराख बंद हो गया जी। सुनो देखो, आप अच्छे से इसको स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें दिल में सुराख दिखाया गया एक्सरे में, और ये रिपोर्टें हैं, और ये फिर रिपोर्ट कराई इसने, और आप एक्सरे सफदर जंग दिल्ली इसको अच्छे से देख सकते हैं स्क्रीन पर। रिपोर्टें बिल्कुल नॉर्मल होगी, बच्चे का दिल का सुराख बंद हो गया, चमत्कार हो गया। मिराइकल है, मिराइकल। सुन रहे आप, देखो ऐसा आपने सुना कभी, दवाइयां खाई और सब कुछ खाया, लेकिन इस बंदे ने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया, ले हैंड प्रे कराया, और परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया। मैं फिर कर रहा हूँ, जो ले हैंड प्रे करा रहे हैं, आपका कोई बाहर का काम नहीं बन रहा, कोई भी बीमारी आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। एक बार आकर जाना, देखो चमत्कार होता है कि नहीं यीशु मसीह के नाम में। मैं दिखाने के लिए, कुछ लोग बोलते हैं कि ना शायद वो टीवी पर ऐसे ही दिखाते हैं, नकली होता है, नकली होता है जो लोग देख रहे होते हैं लाइव स्क्रीन पर। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, बोलते कहते शायद नकली होता है वो। मैंने कोई नहीं, मैं ठहर जो गुजराती हूँ तुम्हारे शहर में आता हूँ, नकली होता है कि असली होता है। गुजरात वालों की लाइन लगी हुई दिखा स्क्रीन पर जरा फोटो, देखो पहले दिन पता वो कितने लोग थे, 10 लाख लोग। और दूसरे दिन दिखा, मैंने जो फोटो भेजी है वो दिखा, शाबाश। हाँ वो दिखा, और दिखा, ओ देखो 20 लाख लोग। सुनो, दूसरे कैमरे की थजी उड़ गई, दूसरे दिन कैमरे। मैंने कहा वो पीछे लोग तो ले, उनको तो कैच कर, कहता है कैमरा कैच ही नहीं कर रहा उनको, झाड़ियों में बैठे हैं, दूर खेत में बैठे हैं, कह रहे कैमरा कैच ही नहीं कर रहा जहाँ तक नजर जा रही है। मैंने कहा टेंट खोल दो, फिर टेंट खोल दिया, लोग दूर से देखते हैं, और लोग पैरालाइज खाट पर लेकर आए, कितनों ने देखा खाट पे ही हो, स्टेज पर ही उसके ऊपर अनॉइंटिंग, जो साथ लेकर आए उनके ऊपर भी अनॉइंटिंग। एक नहीं, वहां पर ऐसे लाइन लगी हुई थी कि ट्यूमर वाले, गिल्टियां वाले लाइन लगी हुई थी, उनकी गवाहियां नहीं ले पा रहे थे हम, क्योंकि आपको शक्ति का माहौल होता है, टाइम का पाबंदी होता है, और लाइन लगी हुई थी, गिल्टियां, गांठें, ट्यूमर वाले आजाद, गूंगे बहरे बोल रहे थे। और जब मैं एक दिन पहले मीटिंग करके निकला, उस दिन भी और अगले दिन भी, जिस चर्च में मैं गया वहाँ के पादरी लोग अच्छे थे, और वहाँ पर एक व्यक्ति फटाफट आकर मुझे बता रहा था, एक लेडीज कह रही थी, पापा हम पहली बार लेकर आए अपने बच्चे को, और इसे पड़ोसी के बच्चे को भी लेके आए थे, कह रहे दोनों ही बोलने लगे पापा पापा पापा। हालेलुया, परमेश्वर सुनता है। हाथ नहीं रखा मैंने उनके ऊपर, वो सिर्फ मीटिंग में आए थे। ये गिफ्ट है मेरे ऊपर, खासकर
ये देखो, और ये बंदा जिसकी मैंने भविष्यवाणी किया था, इसकी नहीं किया, मैंने कहा यहाँ पर कोई है, और अभी अपने मोबाइल ऊपर उठा लो, तुम्हें ऐसे लगता है कि शायद प्रॉफिट बजेंद्र अपने चर्च में ऐसे ही बोलता रहता है। मैं कहा अभी गवाही आएगी 200 करोड़ रुपए की आशीष किसी को मिलेगी, 100 करोड़ 200 करोड़। और इस बंदे को मैसेज, इसको कॉल आया, कहते कि हमारा, कहते कि चर्च का, इनका कोई बड़ा फंड का चर्च का होगा उधर, कहते 200 करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट इनका पास हो गया, देखो खाट के 5 टुकड़े हो गए, 5 खाट पर पड़ा रहा, तागे लगे हुए, तबीज डाले हुए हैं, पहली बार आए हैं चर्च में। मैं कह रहा हूं कि आप टिके रहो, देखो भीड़, चर्च खत्म नहीं हुआ अभी चल रहा है, वो पीछे देख रहे हो आप पीछे, वो लोग उधर हैं, ये LCD पे उधर मुंह करके देख रहे हैं, हमने बाहर भी LCD लगाई थी, अभी लोग आ रहे हैं रास्ते में, भीड़ में, मतलब इतने लोग के खड़े होने की जगह नहीं है उनके पास, दूर से देख रहे हैं इतने लोग हैं। और वो गांव वाले हैरान है, कहते हैं यार क्या चक्कर है। मैंने कहा ये चक्कर ये है, जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने भेजता है ना, वहाँ प्रॉफिट बजिंदर जाता है, वहाँ भीड़ आ जाती है, जैसे यीशु जहाँ जाता था भीड़ आ जाती थी, लोग बोलते थे चुप करा, ये भीड़ क्या बोल रही है, ने शोर मचा रही है। उसने कहा, अगर यीशु मसीह ने कहा, अगर मैंने चुप कराऊंगा पत्थर भी चिल्ला पड़ेंगे आज। यहोवा मेरा बादशाह वो करता भला सदा, यहोवा मेरा बादशाह वो करता भला सदा। यीशु मसीह की सुनेंगे गवाही, सुनेंगे शाबाश। हालेलुया। प्रॉफिट जी, इन सब की बहुत बड़ी गवाही है, ये सभी अपनी गवाही में बता रहे हैं, किसी के पास 4 साल से, 5 साल से, 15 साल से, 16 साल से, 20 साल से बेबी बॉय की ब्लेसिंग नहीं थी, तारपुर चर्च में स्पेशल लेड प्रेयर करवाई, ऑयल और वाटर का यूज किया, बेबी बॉय का साथ ब्लेस आ चुके हैं। कैमरा घुमा सब पर, कैमरा घुमा, कौन सा कैमरा दिखा रहा मुझे, ऐसे घुमा चारों तरफ, देखो मैं उधर से स्टार्ट कर रहा हूँ, हाँ शाबाश, दिखा घुमाता रहा इधर, किधर घूम रहा है कैमरा, किधर चला रहा है, इस लेडी से दिखा कैमरा स्क्रीन पर, हाँ अब ऐसे घुमाता रहा, घुमाता जैसे मेरे डब्बी बनाना लाली, इधर देखो 1 2 3 दिखा ऐसे मेरे हाथ के साथ चल, 4 5 6 7 8 9 10 देखो लाइन लगी हुई है, लाइन बच्चे ही बच्चे हुए हैं, बेटे ही बेटे हुए हैं, शमसी के नाम में। कितना माइक फटाफट लड़की, 5 साल से, कितने साल से, 5 साल से, कहाँ से आए पापा जी, उत्तराखंड, उत्तराखंड से, इसका दिमाग खराब नहीं, इतनी दूर से आई है यहाँ पर, 5 साल से बेटा नहीं था, यहाँ के बेटा मिला, हाँ पापा जी आपने ऑनलाइन प्रोफेसी की कि ऐस नाम वालों को बेबी बॉय की ब्लेसिंग मिलने, गुड न्यूज, जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। कहाँ से आया, अम्बासर हैं, अम्बासर, 7 साल, कितने साल से, 7 साल से, 7 साल से, कोई बच्चा नहीं था, बेटी है, कैसे मिला बेटा, वो भी ब्लेसिंग करवाई है, हैंड प्रे करवाई है, ले हैंड प्रे कराई और अनॉइंटिंग वाटर ऑयल को यूज किया आपने, बेटे की आशीष मिला, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, कितने साल से बच्चा नहीं था, अब क्या बेटे की आशीष मिली, कहाँ से आए, लुधियाना से, लुधियाना से आए, कहाँ से आए, यूपी बरेली से, कितने टाइम से बच्चा नहीं था, 4 साल से, और अभी प्रेग्नेंट है आप, कैसे, वाटर ऑयल मिट्टी खाने, देखो वाटर ऑयल लेकर गए, मिट्टी लगाई और गुड न्यूज मिली। मैं फिर कह रहा हूँ, जो अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लेकर जा रहे हैं उनके बड़े बड़े काम हल हो रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। आप देखो कह रहे कि 2 बेटियां थी इसके पास, पहले से ने चीकू खाया, केला खाया, जलालाबाद से आया, और 7 साल के बाद बेटे की आशीष मिली है। अभी देखो फाजिलका, हाँ हाँ, कहाँ से आया आप, फाजिलका, फाजिलका से, कौन है प्रेग्नेंट, बेटी मेरी, इनकी बेटी प्रेग्नेंट है, अब अगले संडे से आए से तो ठीक नहीं थी, तो ठीक होगी, एक संडे आए अगले संडे ठीक हो गई, हालेलुया। 4 साल से बेटा नहीं था, 4 साल से बेटा नहीं था, कहाँ से आया, मैं तो महाराष्ट्र आ गई, महाराष्ट्र से आ गई,
और मेरा दो बहना आया था, ऑयल और वाटर लेके आया और मेरी बेटी की झगड़े चल रहे थे, तो मैंने विश्वास से उसको ऑयल और वाटर पिलाया। मैं बोली ईशु प्रभु ये रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। चार साल के बाद उसको ऑयल और वाटर पिया और बेटा हो गया। देख रहे हैं आप, कहते कनेक्शन भी टूट रहा था। सारे बोला हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोला तेरा कनेक्शन टूटेगा नहीं, बना रहेगा। ऑयल लेकर जा, फेविकोल का जोड़। कह रहे कि आजकल लोग ऐड देते हैं फेविकोल का जोड़ है टूटेगा नहीं। हम कह रहे हैं कि ऑयल लगाऊं कोई रिश्ता टूटेगा नहीं, कोई बिजनेस टूटेगा नहीं। आमीन बोलने वाले जुड़े रहेंगे चर्च। रानी कहां से आए आप? आगरा से। आगरा से बेटे, इसको बच्चे को ले लो। हाँ हाँ, कब कितने साल से बेटा नहीं था? 4 साल से। कैसे मिली आशीष? हमने अनॉइंटिंग ऑयल वाटर को यूज किया और पापा जी एक दिन थर्सडे मीटिंग को प्रोफेसी कर रहे थे कि रानी तुझे बेटा मिलने को जा रहा है। मैंने रिसीव किया और मैं बेटे के साथ ब्लेस हो चुकी हूँ। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ हाँ, आपको भी बेटे की आशीष मिली। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? हम नहीं लेते तेरी जयमसी की। कहाँ से आए पहले बता? पंच महीने से बीमार सी। ईसा से आई, मानसा से। मानसा से आए, बेटे की आशीष मिला। देखो कोलकाता से आए 16 साल के बाद। कितने साल के बाद? 16 साल के बाद। हाँ बताओ शाबाश, कैसे मिली आशीष? हम ऑनलाइन आप पापा जी का देखते हैं प्रार्थना 1.5 साल से, तो ताजपुर चर्च आए थे। पापा जी भी बहुत है। कौन से पापा जी का? ये वाले। अच्छा। और तेल और मट्टी लेके गए थे और पापा जी का हम देखते हैं, तो पापा जी बोल रहे थे सोनी तुमको परमेश्वर बेटा देने के जा रहे हैं। तो देखो आज सोनी सोनी नहीं रही, माँ बन गई है। सोनी नाम है इसका। अभी प्रेग्नेंट है आप 16 साल के बाद। जोर से तारीफ करो, जोर से। अभी कितना महीना हो गया प्रेग्नेंट है? 5 महीने से प्रेग्नेंट है। क्या चाहिए आपको? बेटा। बेटा मिल रहा है यीशु मसीह के नाम में। विनोद यूपी से, 20 साल से बेटा नहीं था आपके पास। कितने साल से? 20 साल से। और इनको भी बेटे की आशीष मिली। क्या लेकर गए थे यहाँ से? वाटर ऑयल लेकर गए और धमाल मच गया यूपी में। जोर से तारीफ करो। अपने हाथों को उठाओ। हाँ हाँ, देखो इसने स्पेशल लैंड ब्रेक कराया। बताओ क्या? 12 मिनट स्पेशल लैंड करवाया है। 5 मिनट 2 घंटे ब्लेस हो गए। नहीं, कितना आया? मोगे तो। हाँ, क्या आशीष मिली आपको? 2 गड्डियां की आशीष मिली। दो गड्डियां दी आशीष मिली इकट्ठी। केड़ी केड़ी गड्डी? छोटे हाथी मिले दो जी। छोटे हाथी दो, कल बड़े हाथी मिलन। सारे बोलो हालेलुया। आप सुन रहे हो, कह रहे कि प्रोफेसी चीफ किया 7 साल से दुष्ट आत्मा से जकड़ी हुई थी, आजाद होगी अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया। ये 7 साल से देख रहे हैं, 7 साल से फोड़ करता था, बेड़ियों में संगलों में बांध के रखना पड़ता था, घर से भाग जाता, और आज देखो आजाद है। अपने हाथों को उठा, शाबाश, हाथों को उठा। जोर से तारीफ करो। शक्ल देखो इसकी, पकड़ के रखना पड़ता था, बेड़ियों में बाल के रखना पड़ता, मारा पिटाई करता, घर में तोड़फोड़ करता, आज दुष्ट आत्मा से संगलों से आजाद है। जैसे यीशु मसीह ने आजाद किया बाइबल के अंदर, ऐसे आजाद है अभी। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में, और से तारीफ करो। हाँ हाँ हाँ, प्रोफेसी को रिसीव किया, फर्स्ट टाइम आए। फिट्स का प्रॉब्लम पड़ता था इसको 15 साल से, छोड़े नहीं 15 साल से, और परमेश्वर ने आजाद कर दिया। गुरजीत होशियारपुर से आए, माइक दे। जैमसी पापा जी इन्हों का, मेरी माता का इलाज पीजीए चलता है। 3 साल तो कमाई जाते पिते की पतरी की, वो कहते हार्ट में भी प्रॉब्लम बहुत है। 40% इनका हार्ट काम नहीं करता है। तो बार बार कमाई जाते तरीकों दे जाते ऑपरेशन दियाँ। असं 12 तरीक न इतने आए तो पापा जी ने बोलिया कि कोई नहीं सारा काम हल हो जाऊंगा। तो असं ना इतों गए तो मम्मी कहती हूँ मैं दिल भी ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ? ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆ ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਅਗਲਾਈਆਂ ਠੀਕ ਆਈਆਂ ਨਾ, ਦਿਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਕਰੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਵੀ ਗਾਇਆ, ਚਰਚ ਮੇ ਆਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ, ਲੈਂਡ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ, ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਵਾਟਰ ਆਇਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਬਤਾ ਰਹੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਅਬ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਪੱਥਰੀਆਂ ਵੀ ਗਾਇਆ, ਜੋ ਦਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹਾ ਥਾ, ਹਾਰਟ ਮੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਾ ਥਾ, ਵੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋਰ ਸੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ। 9 ਸਾਲ ਸੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਹਾ ਥਾ, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, प्रोफेसी को रिसीव किया, आजाद हो गया नशे से। एक्सीडेंट के लोग आजाद हो रहे हैं, डिप्रेशन जा रहा, स्पेशल ले एंड प्रे कराया। प्लॉट घर की आशीष, कितने लोग चाहते हैं प्लॉट घर लेना? कंजूस मक्खी चूस। अपने पड़ोसी को बोलो कंजूस मक्खी चूस।
ऐसे नहीं मिलते प्लॉट की आशीष, घर की आशीष, कुछ करना पड़ता है खुदा के लिए। आप सुन रहे हो, मैं अकेला जो आप बीज देते हैं आप ले हैंड कराते हैं, पता है आपको 70-80 लाख रुपए प्लस खर्चा हुआ, वो सब दान वहीं से इकट्ठा करके वहीं दिया, जिन्होंने बीज बोया ले हैंड कराई अपॉइंटमेंट कराया उनको वहीं दे दिया। हालेलुया, समझ रहे हैं आपका पैसा कहाँ जाता है, मीटिंग करते हैं, परमेश्वर आशीष देते हैं, बहुत सारे लोग नहीं देते हैं, आशीष आती है। इनकी बच्ची फर्स्ट आई है, नकोदर से आई है, जोर से तारीफ करो, और देखो हलवा भी लाई है, मिठाई भी लाई है। फिट्स फर्स्ट आई बेटे, केड़ी क्लास च? टेंथ च। अपने पड़ोसी को बोलो चुल्लू भर पानी में डूब जा। आजकल के बच्चे देखो फर्स्ट आ रहे हैं और तुम नलायक बच्चे। अपने हाथों को उठाओ, अपने बच्चों के लिए दुआ जो कराना चाहते हैं उठाओ। शाबाश, पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो प्रांचों में बैठे हैं, इनके बच्चे अब से पढ़ाई में टॉप करने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। इसकी शक्ल देख लो और उसके बाद देखना तुम अपने बच्चों को। सारे बोलो हालेलुया। फिट्स पढ़ते थे, राजस्थान से आई है, कहाँ से आई? हनुमानगढ़। तो चल क्या कहीं से भी गढ़ से आई हो, लेकिन आजाद होगी कि नहीं? साल के बंद हो गए, फिर कह रहा हूँ कुछ भी आपको होता है अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लो और आजाद हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। किसी का बच्चा डेड हो गया था, इसका सुसाइड कर लिया था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। हाँ जलंधर से। हाँ बेटे आगे आगे बताओ। हाँ हाँ दिख ही नहीं रही सही करके। हाँ हाँ बताओ, माइक दे इसको बराबर। बोलो जय मसीह की, पापा जी की जय मसीह की। मेरा बेटा 20 तारीख जहर खा लिया था, मुच्छुआ की दवाई खा लिया मेरे बेटे ने, तो मेरे बेटा भी एक बेटी भी नहीं मानती थी, यीशु मसीह की नहीं मानती है। मैं फिर बार बार बोलती बेटा मैं बदल गई हूँ, तू भी बदल जा, तुम लोग इलना वरना बहुत पछताने हैं, तुम लोग नहीं मानते थे मेरे पीछे दोनों बेटी बेटा आएगा। इसके बाद उन्होंने जहर खा लिया, बेंगलोर गया था, बेंगलोर में कोई भी साथ नहीं था उस बच्चे के साथ, एक पड़ोस के मुंडा आया, एक मुंडा आया कहता तुम्हारा जो बगल में रहता है वो मुंडा बहुत परेशान में हो रहा है, लपेट गया शरीर पूरा लपेट गया, लेके गया अस्पताल में सब आप दे दिया, कहते बेटा के ले जा, कहते इसका माँ बाप कोई भी नहीं है, आएगा ये ले जाओ इसको, कहते नहीं इसका हाथ जोड़ा मुंडे ने, हाथ जोड़ के दिया, डेड हो गया बिल्कुल, आएगा सब आप दे दिया डॉक्टर ने। फिर उस मुंडे ने हाथ जोड़ा, कहते हाँ इसको कोई भी नहीं है, इसका आप ही देख सकते। कैसे ठीक हुआ फिर, कैसे ठीक हुआ, जिंदा कैसे हुआ? जिंदा कैसे हुआ, उसने मुंह में पाइप डाल के तुरंत उसका मुंह से पाइप डाल के पानी डाल के निकाल दिया था, सारा जहर आएगा, फिर भी जल गया। डॉक्टर ने सवाब दिया, कह रहे इसको दूसरा जगह लेके जाना पड़ेगा। दूसरा जगह लेके जाने के बाद हाँ हमने बरेल कराया, हमने परमेश्वर का हाथ बहुत लंबी है, तू जहाँ भी रहेगा परमेश्वर वहाँ जाकर पहुँच जाएगा, तेने जिंदा कर देगा। दूसरा दिन मुंडा मेरा जिंदा हो गया, आवाज ऊंची उठा दिया, परमेश्वर का नाम लिया उसने, सारे बोले हालेलुया। सुनो, अरे आप अपनी महिमा करते रहते हो, सुनो मेरी बात, ये बहन बता रही है, इसकी गवाही देना नहीं आ रहा इसको, इसके बच्चे ने जहर खा लिया था। जलंधर से आए बेटे, कहाँ से आए आप? मैं जलंधर से आई। जलंधर से, आराम से बोलते रही, आवाज अच्छी आ रही है, आराम से। जलंधर से आई है और जहर खा लिया था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, उसके मुंह में पाइप लगा हुआ है, स्क्रीन पर दिखाऊं वीडियो फोटो टीवी दिखा मोबाइल में आगे करके, और जवाब दे दिया, लेकिन इनके पास अनॉइंटिंग वाटर था, इन्होंने उसको डाला और कह रहे के प्रार्थना करते रहे, प्रे टावर पे करवाते रहे, दूसरे दिन उसको होश आ गया। तारीफ करो, जिंदा हो गया वो यीशु मसीह के नाम में। आपने कितनी गवाहियां सुनी हैं, हाफ डेड लोग लेकर आते हैं जिंदे हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम में, प्रभु प्रार्थनाओं को सुनता है। मैं कह रहा हूँ कोई भी मरा हुआ काम आज जिंदा होने वाला चर्च यीशु मसीह के नाम में, अपने हाथों को। और एक अद्भुत गवाही सुना रहा हूँ आपको, देखो ये बहन अपने मुंह से सुना दे तो बढ़िया है, माइक दे शाबाश। सुनो, इस बहन की दोनों टांगे छोटी बड़ी थी, और एक बार मैं इसके लिए प्रेयर कर रहा था और ऑयल भी लगा रही थी,
और ये बता रहे किसकी, इसने दोबारा इंची टेप लेके अपनी टांग चेक किया, एक टांग छोटी बड़ी थी, चेक किया वो डेढ़ इंच टांग बढ़ गई है। हालेलुया, समझ रहे हैं? सुनो, हाँ हाँ सुनाइए, बताए। सारी कलीसिया ने जय मसीह दी, पापा जी ने जय मसीह दी। माइक ऊपर करके बोल। लत कट्टी हो रही थी पापा जी जोड़ च, जिस दिन तो मैं तीजे दिन ले हैंड प्रार्थना कराई ते मेरी डेढ़ इंच लत खुल चुकी है, मैनूं महसूस हो रहा है। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। कहते लात कट गई थी, कांट रखी, ऑपरेशन कर दिया गया। नहीं पापा जी कटी नहीं है, कटी हुई है, मुड़ गई थी। हाँ जी, शुरू से ऐसे, बचपन से। कहते के कहते मुझे, मैंने चेक किया डेढ़ इंच ले एंड प्रे कराने के बाद बढ़ गई। विश्वास करना, आज मैं कह रहा हूँ डेढ़ इंच नहीं, मैं कह रहा हूँ बहुत सारे इंच बढ़ने वाली हैं, ब्लेसिंग आने वाली है। मसीह के नाम आपके घर 200 फुट से 200 गज से 400 होने वाले हैं, तंबू चौड़े होने वाले हैं, चर्च बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। आइए सब अपने हाथों को उठाएं, विश्वास करें। पवित्र आत्मा जिन गवाहियों के लिए परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ और इनको ब्लेस करता हूँ पवित्र आत्मा, जिनको आज तूने बेटे 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 की आशीष दिया, दुष्ट आत्मा छुटकारा दिया, पत्थरियाँ रसोलियाँ गायब हुई, नौकरी दिया, घर दिया, करके पत्थरियाँ गई, रसोलियाँ गई, कैंसर गए, लास्ट स्टेज पर लीवर का प्रॉब्लम था। माइक करो, हाँ हाँ बोलो। पापा जी जय मसीह दी। राजस्थान से आया? हाँ जी, हाँ हाँ। अलवर से। क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बताया इसकी किडनी डेड हो चुकी है। किडनियाँ डेड होगी लास्ट स्टेज पर। शुगर भी थी इसको? शुगर भी थी। आपको इसको घर ले जाओ, दो चार दिन सेवा है जो करो आप। हाँ, कैसे ठीक हुआ? फिर यहाँ पर लाए थे मीटिंग में, हाँ, तो ऑल वाटर और बोतल लेके गए थे, हाँ, वो लगाने से ये चंगा हो गया। देखो आपके सामने करें के किडनियाँ टोटल डेड जवाब दे दिया और शुगर भी था। डॉक्टर कह रहा दो चार दिन का मेहमान है, ले जाओ। ये राजस्थान से आए, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया और बता रहे हैं कि बिल्कुल चंगा हो गया, आज रिपोर्टें नॉर्मल है, आप देख सकते हैं। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह नासरी के नाम में। और ध्यान से सुनना है, मैं फिर कह रहा हूँ कि आप कहीं से भी आए हैं, आप अगर यहाँ बैठते हैं हर संडे, आप अपने परिवार को एक व्यक्ति को बचाते हैं, याद रखना। आप उसको लंबी आयु दिलाते हैं। जब आप यहाँ आते हैं अपने बच्चों के बिजनेस खुलवाते हैं आप, क्योंकि परमेश्वर उनके ऊपर दया करता है। जो चर्च में आ रहे हैं, ब्रांचों में आ रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, इसे में लाइव कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, फल लेकर आ रहे हैं, प्रभु ऐसे लोगों के साथ रहता है। याद रखना, आपकी लंबी उम्र होने के लिए जा रही है यीशु मसीह का नाम। सब लोग बैठ जाएं अपने स्थान पर। ब्रांचों की गवाही लेंगे, शाबाश, फटाफट ब्रांच खोल दे, मैं प्रेयर कर रहा हूँ, शाबाश, कैमरा फिट कर। हाँ, ब्रांचें जल्दी से, कोलकाता ब्रांच, ऑस्ट्रेलिया ब्रांच, हाँ हाँ शाबाश, हाँ हाँ, जौन सी ब्रांच है, शाबाश, खड़े हो जाओ फटाफट गवाही के साथ, जल्दी जल्दी, एक सेकंड में। तुम तो अंदर बैठे हो, हमें पता है कितनी गर्मी है। झारखंड, हाँ, गवाही के साथ। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश, हाँ, झारखंड, बहुत अच्छी गवाही है, जोर से तारीफ करो, शाबाश। अपने हाथों को पकड़ो। इसी समय बहुत सारी औरतें जिनके पास बच्चा नहीं है, आगे आ जाओ, शाबाश, फटाफट, जिनको दुष्ट आत्मा तंग करती, आगे आ जाओ, झारखंड ब्रांच आगे आ जाओ, कोलकाता ब्रांच, सारी ब्रांचें खड़े हो जाओ, जिनके पास बच्चा नहीं है उनको स्क्रीन के सामने कर दो, जिनके पास बेटे नहीं है स्क्रीन के सामने कर दो। यहां नहीं बुलाया, यहां नहीं बुलाया, वहीं पर खड़े रहो, वहीं पर खड़े रहो, आपको नहीं बुलाया। जलंधर ब्रांच, आपको नहीं बुलाया अभी, सारी ब्रांचें वहीं खड़े हो जाओ, अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, जिनके पास बेटा नहीं है अपने स्थान पर खड़े जाओ। इसी से मुंबई, पूना, थाने, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, फिजी, सब एक साथ खड़े हो जाओ। कपूरथला, जिसको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम होती है, सब खड़े हो जाओ। और देखो, ये आपका कोई काम ऐसा रुका हुआ है, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जिसके नाम SNRGHPLK और N से, जिसका फाइनेंस खट रहा है, कर्जा हो रहा है और कोई घर नहीं ले पा रहा, आज से 3 महीने के बाद आपके साथ खुशखबरी है, आप फाइनेंस में डबल होते चले जाएंगे यीशु के नाम में, कर्जे उतरेंगे यीशु मसीह के नाम में। जहां मीन बोल रहा है वो रिसीव कर रहा है, कंसीव कर रहा है।
अंधेरी मुंबई ब्रांच कंसीव करो, रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। प्रोफेसी को भी कंसीव करना पड़ता है पहले अपने पेट में, समझ रहे कि नहीं? रिसीव करना पड़ता है अपने माइंड में। रिसीव करो, पवित्र आत्मा आपके लिए कुछ करना चाहता है, आशीष देना चाहता है। फाजिल का ब्रांच अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। और इसी समय जिसको भी प्रॉब्लम है सामने खड़े हो जाओ, सबके लिए प्रेयर कर रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ ऐसे। संभाल का ब्रांच, हैदराबाद ब्रांच, हाँ हाँ, शाबाश। टेस्टमनी नहीं ले पाऊंगा, गर्मी ज्यादा है आज यहाँ पर, और सबकी प्रेयर कर रहा हूँ मैं। आप सब खड़े हो जाओ, शाबाश। मैं देख रहा हूँ मॉरिशियस ब्रांच, गुरसराय ब्रांच, शाबाश। मैं देख रहा हूँ फाजिल का ब्रांच, भटिंडा ब्रांच, मोगा ब्रांच, कपूरथला, मुक्तसर, खड़े हो जाओ अपने स्थान पर। देख रहा हूँ तुम्हें रांची ब्रांच, शाबाश। ताड़ी बजाओ रांची ब्रांच वालों, तुम्हारी फोटो आ रही है स्क्रीन पर। अभी नवे शहर में ब्रांच ओपन हो रही है, जो नया शहर आ जा रहे हैं, आशीष मिल रही है। होशियारपुर ब्रांच, मॉरिशियस ब्रांच, ताड़ी बजाओ मॉरिशियस ब्रांच, अपने हाथों को लाओ, शाबाश। और इसी समय सब लोग अपने हाथों को उठाओ, विश्वास करो। सब लोग स्क्रीन पर जुड़े हुए हैं, दुबई ब्रांच, सिंगापुर, मलेशिया, ग्रीस, जर्मनी, कोरिया, जापान, सब लोग अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। फिजी, अमेरिका, सब लोग। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, अमृतसर ब्रांच में, फाजिलका, गुरदासपुर ब्रांच में, और इसी समय जो अमृतसर ब्रांच में ध्यान से सुन रहा हूँ, सुन रहे हो आप, और इसी समय जो गुरदासपुर ब्रांच में, धारीवाल ब्रांच में, उनको कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग विश्वास करो, पवित्र आत्मा आपकी मदद कर रहा है। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय आदर करो, जो लोग आपके मेहमान यहाँ पर आए हुए उनका आदर करो। थारीवाल ब्रांच, आप सबसे बात करना है मेरे को, अपने हाथों को उठाना है अभी इसी समय। पवित्र आत्मा जी, मैं इस समय परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ, ब्लेसिंग दे इनको यीशु मसीह नासरी के नाम में, गुड न्यूज़ दे। और गुरदासपुर ब्रांच बटाले में एक हीलिंग क्रूसेड करेंगे जल्दी। आप तैयार हैं? जोर से तारीफ करो, तैयार हो? वॉलंटियर, क्वायर मेंबर, तैयार हो? बटाले गुरदासपुर में क्रूसेड करेंगे, तैयार हो आप? पवित्र आत्मा आपको आशीष दे यीशु के नाम में। कौन कौन खुश है?